सांप्रदायिक पंचायत पृथक निर्वाचक मंडली की स्वीकृति। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के मामले की इतनी जोरदार वकालत की कि गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का मसला ही छाया रहा। उन्होंने मांग की कि अछूतों को अपना बचाव करने के लिए साधन दिए जाएं और इसके लिए उनके संदर्भ में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया जाए। उनकी मांग थी कि उन्हें अन्य अल्पसंख्यकों जैसे ही अधिकार दिए जाएं। उन्होंने यह तर्क रखा कि सत्ता क्योंकि ऊंची जातियों के हिंदुओं के हाथ में दी जा रही है, तो अछूतों को मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों से बेहतर नहीं तो कम से कम उनके जैसा ही राजनीतिक संरक्षण दिया ही जाना चाहिए। गांधी जी और कांग्रेस को छोड़ से सभी ने उनकी इस दलील का समर्थन किया। गोलमेज सम्मेलन की बहसों के दौरान गांधी जी ने अछूतों को मान्यता और संरक्षण देने का जमकर विरोध किया। वह चाहते थे कि अछूत नितांत असहाय स्थिति में रहें और उन्हें कोई अधिकार कोई मान्यता न दी जाए। अंत में उनकी आपत्ति केवल अछूतों पर आ गई। अछूतों से हमदर्दी जताने के बजाय गांधी जी ने उन्हें पराजित करने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया। अछूतों को अलग थलग करने के मकसद से उन्होंने मुसलमानों से समझौता किया, किंतु सुयोग यह रहा कि मुसलमानों ने उन्हें कृतार्थ नहीं किया। इंग्लैंड में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा अभियान को फिर से चलाने की धमकी दी। उन्हें गिरफ्तार करके यखदा जेल में डाल दिया गया। जेल में वह स्वराज नहीं अछूतों की समस्या को लेकर सबसे अधिक परेशान रहे। उन्हें डर था कि एकमात्र पंच होने के नाते इंग्लैंड के प्रधानमंत्री गोलमेज सम्मेलन में उठी अछूतों की मांगों को कहीं मान ही न लें। इसलिए पूर्वाभास में 11 मार्च 1932 को उन्होंने जेल से ही एक पत्र तत्कालीन भारत मंत्री सर सैमुअल होर को संबोधित किया और उन्हें अछूतों के दावों के प्रति अपने विरोध का स्मरण कराया। सर सैमुअल होर ने 13 अप्रैल 1932 को गांधी जी के पत्र का उत्तर दिया। 17 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस पंचायत में अछूतों की मांगों को मान लिया गया था। उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति दे दी गई थी। गांधी जी ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और धमकी दी कि यदि अछूतों को दिया गया संरक्षण वापस नहीं लिया गया तो यह अनशन कर देंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने उसका अत्यधिक आश्वस्त करने वाला जवाब दिया। प्रधानमंत्री के जवाब की उपेक्षा करते हुए गांधी जी ने 20 सितंबर अपने आमरण अनशन की तिथि घोषित कर दी। सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति की इस पूरी घटना को, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने अनशन किया, समझने के लिए पूरा पत्राचार अत्यंत प्रासंगिक है, इसलिए उसे हम यहाँ दे रहे हैं। गांधी जी ने यरवदा जेल से जो पत्र लिखा वह इस प्रकार है। प्रिय सर सैमुअल, आपको शायद याद होगा कि गोलमेज सम्मेलन में जब अल्पसंख्यकों का दावा प्रस्तुत किया गया था तो मैंने अपने भाषण के अंत में कहा था कि मैं दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकृत किए जाने का जी जान से विरोध करूंगा। यह सब क्षणिक आवेश में अथवा भाषणबाजी के तौर पर नहीं कहा गया था, यह एक गंभीर वक्तव्य था। उस वक्तव्य के अनुसार अपनी भारत वापसी पर मैंने आशा की थी कि मैं कैसे भी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के खिलाफ जनमत जुटाऊंगा, किंतु यह हुआ नहीं। जो समाचार पत्र पढ़ने की अनुमति मुझे है उससे मुझे लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत किसी भी क्षण अपने निर्णय की घोषणा कर सकती है। पहले मैंने सोचा था कि यदि निर्णय दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का हुआ तो मैं ऐसे कदम उठाऊंगा जो स्वयं मेरे विचार में मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए आवश्यक होंगे, किंतु मैं सोचता हूँ कि यदि मैंने पूर्व सूचना दिए बिना ही कार्रवाई की तो अंग्रेजी हुकूमत के पक्ष में यह उचित नहीं होगा। स्वाभाविक है मैं अपने कर्तव्य को जो महत्व देता हूँ वे नहीं दे सकते। मेरे लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मैं उन सभी आपत्तियों को दोहराऊं जो मुझे दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने को लेकर है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हीं में से एक हूँ। उनका मामला दूसरों से बिल्कुल अलग धरातल पर है। मैं विधायिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व का विरोधी नहीं हूँ। मैं उनके प्रत्येक वयस्क को, पुरुष और महिला को, शिक्षा अथवा संपत्ति संबंधी योग्यता का विचार न करते हुए मतदाताओं के रूप में पंजीकृत किए जाने का पक्ष लूंगा। भले ही दूसरों के लिए मताधिकार का परीक्षण अधिक कड़ा हो, किंतु मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक मंडल उनके लिए और हिंदू धर्म के लिए हानिकारक है। विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से या कुछ भी हो,
पृथक निर्वाचक मंडल से उन्हें क्या हानि होगी, यह समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि तथाकथित सवर्ण हिंदुओं में उनका प्रसार कैसा है और वे सवर्ण हिंदुओं पर कितने आश्रित हैं। जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है तो पृथक निर्वाचक मंडल उसे बस छिन्न भिन्न करके रख देगा। मेरी दृष्टि में इन वर्गों की समस्या प्रमुखतया नैतिक और धार्मिक है। राजनीतिक पक्ष महत्वपूर्ण होते हुए भी नैतिक और धार्मिक मुद्दे के मुकाबले महत्वहीन हो जाता है। आपको इस मामले में मेरी भावनाओं को समझना होगा और उसके लिए यह याद रखना होगा कि मैं अपनी बाल्यावस्था से ही इन वर्गों की दशा में रुचिशील रहा हूँ और मैं अनेक बार उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका हूँ। मैं किसी भी गौरवान्वित होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा मानना है कि हिंदू चाहे जो भी प्रायश्चित कर ले उससे उस सुविचारित अपमान की किसी तरह भी भरपाई नहीं हो सकती जिसमें उन्होंने दलित वर्गों को सदियों से झोंक रखा है। किंतु मैं जानता हूँ कि पृथक निर्वाचक मंडल उस भीषण अपमान का न तो प्रायश्चित है और न ही कोई इलाज जिसके तले वे कराहते रहे हैं। इसलिए मैं अंग्रेजी हुकूमत को सम्मानपूर्वक सूचित करता हूँ कि उनके द्वारा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का निर्णय किए जाने की स्थिति में मुझे आमरण अनशन करना ही होगा। मैं इस तथ्य के प्रति दुखद रूप से सचेत हूँ कि मेरे बंदी रहते हुए ऐसा कोई कदम अंग्रेजी हुकूमत के लिए गंभीर उलझन का कारण ही होगा और अनेक लोग इसे अनुचित मानेंगे कि मेरी जैसी हैसियत का कोई व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कोई तरीका लाए जिससे वे इसे बुरा कुछ कहें और नहीं तो उन्मादपूर्ण तो कहेंगे ही। अपने बचाव में मैं बस यही आग्रह कर सकता हूँ कि मेरी दृष्टि में विचारित कदम कोई पद्धति नहीं है। यह मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। यह तो अंतरात्मा की आवाज़ है जिसकी अवज्ञा का साहस मैं नहीं जुटा सकता, भले ही इसकी कीमत मुझे विवेकशीलता के लिए अपनी प्रतिष्ठा से चुकानी पड़े। जहाँ तक मैं समझता हूँ, कैद से मेरी रिहाई से उपवास का कर्तव्य कम अनिवार्य नहीं हो जाएगा। बहरहाल मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरी सारी आशंकाएं सर्वथा औचित्यहीन हैं और अंग्रेजी हुकूमत का दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने का कोई इरादा नहीं है। सेक्रेटरी स्टेट भारत मंत्री ने मिस्टर गांधी को जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है। इंडिया ऑफिस, व्हाइट हॉल, अप्रैल 13, 1932। प्रिय मिस्टर गांधी, यह पत्र मैं आपके 11 मार्च के पत्र के जवाब में लिख रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों के सवाल पर आपकी भावनाओं की प्रबलता को मैंने तुरंत समझा है। मैं बस यह कह सकता हूँ कि हमारा इरादा ऐसा कोई भी निर्णय करने का है जो सर्वथा और केवल इस मामले के गुण दोषों के आधार पर आवश्यक हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड लोथियन की समिति ने अभी अपना दौरा पूरा नहीं किया है और इसका निष्कर्ष प्राप्त होने में हमें कुछ सप्ताह तो लग ही जाएंगे। जब रिपोर्ट हमें मिलेगी तो हमें उसकी सिफारिशों पर अत्यंत सावधानी से विचार करना होगा और हम तभी कोई निर्णय करेंगे जब हम समिति की राय के अलावा उस राय पर भी विचार कर लेंगे जो आपने और आपके साथ सोचने वालों ने इतने जोरदार ढंग से देखी है। मेरा निश्चय ही यह मानना है, यदि आप हमारी जगह होते तो आप भी ठीक वही कार्यवाही करते जो हम करना चाहते हैं। आप समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते, फिर आप इस पर पूरे मनोयोग से विचार करते और किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आपने उन विचारों पर गौर किया होता जो विवाद के दोनों पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। वास्तव में मैं ऐसी कल्पना भी नहीं करता कि आप मुझसे इससे अधिक कहने की अपेक्षा करेंगे। यह चेतावनी देने के बाद मिस्टर गांधी ने यह सोचकर इस मामले पर चुप्पी साध ली कि आमरण अनशन की उनकी धमकी को दोहराना अंग्रेजी हुकूमत को ठप करने और उन्हें दलितों के विशेष प्रतिनिधित्व के दावे को स्वीकार करने से रोकने के लिए पर्याप्त होगा। 17 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक सवाल पर प्रधानमंत्री के निर्णय की घोषणा कर दी गई। उस निर्णय का जो अंश अछूतों से संबंधित है उसे हम यहाँ दे रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र की समाप्ति पर अंग्रेजी हुकूमत की ओर से पिछली 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने जो यह वक्तव्य दिया था और जिसका समर्थन उसके तुरंत बाद संसद के दोनों सदनों ने कर दिया था, उस वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि भारत के उन सांप्रदायिक सवालों पर सभी को स्वीकार्य समाधान पर नहीं पहुँचते जिन्हें सुलझाने में सम्मेलन विफल रहा था, तो अंग्रेजी हुकूमत का संकल्प था कि भारत की संवैधानिक प्रगति को उस कारण से नहीं रोकना चाहिए और वे एक काम चलाओ योजना बनाकर लागू करके इस बाधा को हटा देंगे। 2, पिछली 19 मार्च को यह सूचना पाने के बाद कि समझौते पर पहुंचने में संप्रदायों की लगातार विफलता से एक नए संविधान के निर्माण की
योजनाओं की प्रगति बाधित हो रही है। अंग्रेजी हुकूमत ने कहा कि वह इस कठिनाई को उठने वाले विवादास्पद सवाल की सावधानी पूर्वक फिर से जांच कर रहे हैं। हुकूमत अब संतुष्ट है कि नए संविधान के अधीन अल्पसंख्यकों की स्थिति से जुड़ी समस्याओं के कम से कम कुछ पहलुओं के निर्णय के बिना संविधान के निर्माण में आगे की प्रगति नहीं हो सकती। अंग्रेजी हुकूमत ने तदनुसार यह निर्णय किया है कि संसद के समक्ष उचित समय पर रखे जाने वाले भारतीय संविधान से संबंधित प्रस्तावों में निर्दिष्ट नीचे उल्लिखित योजना को प्रभावी बनाने के लिए प्रावधानों को सम्मिलित करेंगे। इस योजना के विस्तार क्षेत्र को जानबूझकर उस व्यवस्था तक सीमित रखा गया है जो प्रांतीय विधायिका में ब्रिटिश भारत के समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए की गई है। केंद्र के स्तर पर विधायिका में प्रतिनिधित्व के विचार को नीचे उल्लिखित पैरा 20 में दिए कारण से निलंबित कर दिया गया है। योजना के विस्तार क्षेत्र को सीमित रखने के निर्णय का यह मतलब नहीं है, यह नहीं समझा गया है कि संविधान निर्माण में अल्पसंख्यकों के अति महत्व की अनेक समस्याओं के समाधान की जरूरत होगी, बल्कि यह निर्णय तो इस आशा में कि एक बार प्रतिनिधित्व के तरीके और अनुपात के बुनियादी सवाल पर घोषणा हो जाए तो समुदाय के लिए स्वयं उन सांप्रदायिक समस्याओं पर अस्थायी व्यवस्था पर पहुंचना संभव हो सकेगा जिनकी उचित आवश्यक जांच नहीं हुई है। अंग्रेजी हुकूमत चाहती है कि यह बिल्कुल स्पष्ट समझ लिया जाए कि वह उसके निर्णय के संशोधन के विचार से शुरू की किसी भी बातचीत में पक्ष नहीं बन सकती और वह इसके संशोधन को लक्षित ऐसे किसी भी प्रतिवेदन पर विचार करने को तैयार नहीं होगी जिसे सभी प्रभावित पक्षों का समर्थन प्राप्त नहीं है। किंतु यदि कोई समझौता सहमति और प्रसन्नता से होता है तो हुकूमत उसके लिए किवाड़ बंद नहीं करने को अत्यंत इच्छुक है। इसलिए यदि नए भारत सरकार अधिनियम के कानून बनने से पहले वह इस बात से संतुष्ट होती है कि संबंधित संप्रदाय या तो एक अथवा उससे अधिक गवर्नर प्रांतों के संबंध में या फिर समूचे ब्रिटिश भारत के संदर्भ में एक व्यावहारिक वैकल्पिक योजना पर परस्पर सहमत है तो वह संसद से यह सिफारिश करने को तैयार होगी कि निरूपित प्रावधानों की जगह विकल्प को रखा जाए। मतदान के सुयोग्य दलित वर्गों के सदस्य एक आम निर्वाचन में मतदान करेंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि काफी समय तक ये वर्ग केवल इस माध्यम से विधायिका में कोई पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे, कई विशेष सीटें उन्हें तालिका अनुसार दी जाएंगी। ये सीटें उन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव के माध्यम से भरी जाएंगी जिनमें केवल चुनाव के सुपात्र दलित वर्गों के सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा। ऐसे किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने वाले व्यक्ति को उपयुक्तानुसार आम निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान का अधिकार होगा। यह अभिप्रेत है कि ये निर्वाचन क्षेत्र चुने हुए इलाकों में बनाने चाहिए जहाँ दलित वर्ग सर्वाधिक संख्या में है और यह कि मद्रास के सिवाय वे प्रांत के पूरे क्षेत्र में नहीं फैले होने चाहिए। बंगाल में यह संभव दिखाई देता है कि कुछ आम निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की बहुत संख्या दलित वर्गों की होगी। तदनुसार अगली जांच पड़ताल होने तक उस प्रांत में दलित वर्गों के विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाने वाले सदस्यों की कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। यह अभिप्रेत है कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दलित वर्गों को बंगाल विधायिका में 10 से कम सीटें प्राप्त नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में जो लोग दलित वर्ग के विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के अधिकारी हैं और निर्वाचन की दृष्टि से योग्य हैं उनकी शुद्ध परिभाषा अभी तक अंतिम रूप में निर्धारित नहीं की गई है। यह नियंत्रण उन सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होगी जिनकी वकालत मताधिकार समिति की रिपोर्ट में की गई है। बहरहाल उत्तर भारत के कुछ प्रांतों में संशोधन की जरूरत पाई जा सकती है जहाँ स्पष्टता के सामान्य मानदंड लागू करने से ऐसी परिभाषा बन सकती है जो कुछ मायनों में प्रांत के विशेष स्थितियों के अनुपयुक्त होगी। अंग्रेजी हुकूमत यह नहीं सोचती कि दलित वर्गों के इन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों की जरूरत सीमित समय के बाद ही होगी। उनका अभिप्राय है कि संविधान में यह व्यवस्था होगी कि 20 वर्ष बाद उनका समापन हो जाएगा अगर पूर्वोल्लिखित चुनावी प्रावधान के सामान्य अधिकारों के अंतर्गत उससे पहले ही उन्हें समाप्त नहीं कर दिया जाता। मिस्टर गांधी ने देखा कि इस धमकी का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उस लिखित प्रार्थना पर उन्होंने भी हस्ताक्षर किए थे जिसमें प्रधानमंत्री से मध्यस्थता करने को कहा गया था। वह यह भूल गए कि लिखित प्रार्थना पर हस्ताक्षर करने के नाते वह पंचायत के मानने को बाध्य थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के किए धरे पर पानी फेरना शुरू कर दिया।